हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट हमने स्टार्ट की थी और उसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए हैं म्यूटेशन हमने पढ़ा था लास्ट टू लेक्चर्स म्यूटेशन के ही थे और प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में कवर कर रहे थे म्यूटेशन के टाइप्स तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल सोमैटिक और गैमेटिक अकॉर्डिंग टू द साइज एंड क्वालिटी ऑफ म्यूटेशन उसके हिसाब से भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि म्यूटेशन कितने टाइप की होती है अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन ठीक है और उसके आगे के सारे टाइप्स तो अकॉर्डिंग टू ओरिजन म्यूटेशन टू टाइप्स की होती है एक होती है spontaneous, एक होती है इंड्यूस्ड म्यूटेशन वो होती है जिसका ओरिजन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो mutation. वो म्यूटेशन बस spontaneously, मतलब अपने आप से ही नेचुरल तरीके से सडनली ओरिजिनेट हुई है ठीक है उसका ओरिजन अनोन है कौन कौन से किस किस में ये देखी जाती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इट हैज बीन एनकाउंटर्ड इन ओएनोथेरा बैक्टीरिया वायरस माइस एंड मैन इसके अलावा उंड म्यूटेशन को बैकग्राउंड म्यूटेशन भी कहते हैं ठीक है इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होती है देखो इंड्यूस्ड म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन जिसको कि इंड्यूस किया जा रहा है मतलब जबरदस्ती कराया जा रहा है आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जा रहा है कैसे इंड्यूस करते हैं जब हम एक्सपोज करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को किसी एक एबनॉर्मल टेम्परेचर से एबनॉर्मल टेम्परेचर सॉरी एबनॉर्मल इन्वायरमेंट से जैसे कि आप कह लीजिए कोई भी म्यूटाजन से कोई भी म्यूटाजन यूज किया और ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन कॉज कराई तो ऐसी म्यूटेशन को इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं म्यूटाजन कौन से हो सकते हैं रेडिएशन टेम्परेचर एंड केमिकल्स ठीक है नेक्स्ट आप देखिए म्यूटाजेनिक एजेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है जो आपकी आर्टिफिशियल म्यूटेशन को इंड्यूस कराते हैं तो वो कौन से म्यूटाजन होते हैं जैसे कि रेडिएशन रेडिएशन में आती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है आयोनाइजिंग में कौन सी आती हैं? एक्स रेज गामा रेज एल्फा बीटा ठीक है जैसे कि ये सारे पार्टिकल्स होते हैं ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये कुछ केमिकल रिएक्शंस जब अंडर गो करते हैं तो उस टाइम पे आयनिक रेडिएशंस म्यूटेशन कॉज करती हैं। नॉन आयनिक का एग्जांपल है यूवी लाइट

टेम्परेचर भी एक म्यूटाजेनिक एजेंट है क्योंकि म्यूटेशन का जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है सपोज टेन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो म्यूटेशन क्या हो गया डबल या ट्रिपल टाइम मतलब इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ म्यूटेशन केमिकल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मस्टर्ड गैस नाइट्रस एसिड फोमेलडीहाइड इपॉक्साइड डाइमिथाइल एंड डाइथाइल सल्फोनेट इथाइल मीथेन सल्फोनेट नाइट्रोसो ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स फेरस एंड ये सारे केमिकल्स हैं जो कि म्यूटाजेनिक एजेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज कराते हैं कुछ बेस एनालॉग्स भी होते हैं जैसे कि एस ब्रोमो यूरेसिल टू अमीनो अमीनोप्यूरिन ठीक है तो ये ये सब आप पढ़ लीजिएगा कि ये सारे मतलब म्यूटेशन क्रॉस कराने के लिए एजेंट्स यूज होते हैं अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग म्यूटेशन कितने टाइप्स के होते हैं या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फॉरवर्ड म्यूटेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो बैकवर्ड म्यूटेशन जब म्यूटेशन की वजह से ठीक है वाइल्ड टाइप किसी एबनॉर्मल फिनोटाइप में चेंज होता है तो ऐसे म्यूटेशन को फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं ठीक है और ज्यादातर म्यूटेशन फॉरवर्ड टाइप के ही होते हैं उसके बाद आता है रिवर्स म्यूटेशन देखिए फॉरवर्ड म्यूटेशन होने की वजह से फिनोटाइप में जो चेंज आया उस चेंज को करेक्ट करने के लिए abnorm, म, मतलब करेक्ट एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म से उसको करेक्ट करने के लिए यानी कि एबनॉर्मल फिनोटाइप को वापस से वाइल्ड टाइप में चेंज करने के लिए नॉर्मल में चेंज करने के लिए ये बैक म्यूटेशन या रिवर्स म्यूटेशन होते हैं यानी कि रिवर्स म्यूटेशन वो होती है जो फॉरवर्ड म्यूटेशन के इफेक्ट को खत्म करती है ये टू टाइप्स के होते हैं सिंगल साइड म्यूटेशन और म्यूटेशन सप्रेसर देखो सिंगल साइड म्यूटेशन में आते हैं देखो कुछ रिवर्स म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो कि वन न्यूक्लियोटाइड को चेंज करते हैं जीन के अंदर ठीक है एक जीन है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज करते हैं तो वो वाले म्यूटेशंस uh, को बोलते हैं सिंगल साइड म्यूटेशन फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड म्यूटेशन की वजह से एडिनिन का चेंज हो गया ग्वानिन में ठीक है तो यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड एडिनिन ग्वानिन में चेंज हो गया तो बैकवर्ड म्यूटेशन जब होगा तो ये ग्वानिन वापस से एडिनिन में चेंज हो जाएगा यानी कि चेंज तो सिर्फ एक साइड पर ही हो रहा है ना चेंज तो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में हुआ दैट इज एडिनिन उसी एडिनिन को ग्वानिन में कन्वर्ट किया फिर बैक म्यूटेशन हुई तो वही ग्वानिन एडिनिन में कन्वर्ट हुआ तो सिंगल साइट म्यूटेशन हो गई म्यूटेशन सप्रेसर क्या होता है देखो जैसे एक म्यूटेशन हुई सपोज करो ये एक जीन है यहाँ जीन पर यहाँ पर एक म्यूटेशन हुई इस जगह पे जब इस जगह पे म्यूटेशन हुई तो इसको हमने बोला क्या प्राइमरी म्यूटेशन अब प्राइमरी म्यूटेशन की वजह से कुछ इफेक्ट हुआ होगा ठीक है उसके बाद यहाँ सेकेंड जगह पे यहाँ पे हुई एक और म्यूटेशन जो ये सेकेंड म्यूटेशन हुई इसकी वजह से प्राइमरी म्यूटेशन का जो इफेक्ट हुआ था वो इफेक्ट वापस हो गया यानी कि रिवर्स हो गया यानी कि प्राइमरी अब जो इफेक्ट हुआ है वो अब नहीं रहा जो प्राइमरी म्यूटेशन की वजह से हुआ था तो ये बैक म्यूटेशन जिसकी वजह से प्राइमरी म्यूटेशन का इफेक्ट रिवर्स हो गया सप्रेस हो गया इसको बोलते हैं म्यूटेशन सप्रेसर ठीक है सप्रेसर अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फिनोटेपे इफेक्ट मतलब जो म्यूटेशन है वो फिनोटिपिक इफेक्ट कॉज कर रही है या नहीं कॉज कर रही है कितना कॉज कर रही है उसके हिसाब से बोला है तो म्यूटेशन होगी डोमिनेंट या फिर रिसेसिव डोमिनेंट म्यूटेशन मतलब अगर म्यूटेशन किसी डोमिनेंट जीन में हो रही है मतलब ऐसे जीन में म्यूटेशन हो गई जिसका फिनोटिपिक इफेक्ट बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है इसका मतलब क्या है जैसे ही वो म्यूटेशन हुई तो हमें सामने से दिखने लगा फिनोटाइप में वो चीज एक्सप्रेस होने लगी कि म्यूटेशन की वजह से ये चेंजेस आए हैं जैसे कि मैन के अंदर एक म्यूटेशन डिजीज है उस डिजीज का नेम है एनिरीडिया एनिरीडिया मतलब आइज में से आयरिस का एबसेंट होना तो इसकी ठीक है तो ये साफ दिखेगा ना कि आई में आइरिस नहीं है तो ये एक म्यूटेशन डिजीज है जो कि डोमिनेंट म्यूटेंट जीन की वजह से होती है ठीक है रिसेसिव रिसेसिव म्यूटेशन म्यूटेशन की बात करें तो मोस्ट टाइप ऑफ नेचर के होते हैं ठीक है ज्यादातर जो म्यूटेशन है वो रिसेसिव नेचर के होते हैं जिनका फिनोटिपिक इफेक्ट हमें इमिडिएटली एक्सप्रेस नहीं होता नहीं दिखाई देता सामने से कि ये म्यूटेशन हुआ है जो फिनोटिपिक इफेक्ट है वो एक या दो जनरेशन के बाद ही देखने को मिलता है एकदम से फिनोटिपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता जब म्यूटेंट जीन अ, कब देखने को मिलेगा इफेक्ट जब जो म्यूटेंट जीन है क्योंकि वो म्यूटेंट जीन रिसेसिव नेचर का है जब वो अपने ही जैसे किसी दूसरे रिसेसिव जीन के साथ रिकम्बाइन करेगा तब वो म्यूटेशन फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होगी उससे पहले वो म्यूटेशन फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं होगी

मतलब लीथल नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे आपको नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म या सेल की डेथ हो जाएगी उस म्यूटेशन की वजह से तो उस म्यूटेशन को इसीलिए लीथल म्यूटेशन कहा जाएगा सब वाइटल म्यूटेशन मतलब मतलब है कि कम हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म मतलब का जो सरवाइवल के चांसेस हैं, वो चांसेस कम हो जाएंगे तो उसको बोला है सब वाइटल म्यूटेशन मतलब ऐसी म्यूटेशन जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस को रिड्यूस करती है सुपर वाइटल म्यूटेशन कौन सी होती है

Mutation, nonsense mutation, जिसको हम chain termination भी कहते हैं या फिर silent mutation. Sense mutation कौन सी होती है? मतलब sense ही change कर दिया उन्होंने. एक कोडोन था उस कोडोन में कुछ ऐसी म्यूटेशन हुई तो जिसकी वजह से क्या हुआ उस कोडोन ने जिस अमीनो एसिड कोड करना था उस अमीनो एसिड कोड ना करके कोई और अमीनो एसिड को कोड कर दिया जिसकी वजह से सारा सेंस ही चेंज हो गया इसीलिए इसको म्यूटेशन बोला है कोडोन में ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से अमीनो एसिड ही चेंज हो जाएगा आगे जाके फ्रॉम वन टू अनदर टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन की बात करते हैं अगर म्यूटेशन हो रहा है यानी कि कुछ चेंज हो रहा है कुछ सब्सिट्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है म्यूटेशन की वजह से कि जो प्रोटीन एक टेम्परेचर पे तो एक्टिव है जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे लेकिन किसी हायर टेम्परेचर पे जाके वो इनएक्टिव है यानी कि जैसे 40 या 42 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो इनएक्टिव हो जाता है प्रोटीन देखो नॉनसेंस या फिर चेन टर्मिनेशन म्यूटेशन एक कोडोन है ठीक है वो कोड कर रहा है किसी एक अमीनो एसिड के लिए अगर उसमें म्यूटेशन हो गया और अब वो एक चेंज हो गया है टर्मिनेशन कोडोन में यानी कि वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा वो कोडोन आगे जाके अमीनो एसिड के लिए कोड ही नहीं करेगा यानी कि फिर यानी कि कम अमीनो एसिड होंगे तो कम छोटा प्रोटीन बनेगा भाई अगर यहाँ पे आप देखिए ना एक कोडोन है दूसरा कोडोन है थर्ड कोडोन है फोर्थ कोडोन है इन कोडोन्स ने अमीनो एसिड के लिए कोड किया ठीक है यहाँ पे सपोज करो टर्मिनेशन कोडोन आ गया तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही तो अमीनो एसिड यहाँ तक बनेंगे यानी कि इतना ही बड़ा पेप्टाइड बनेगा तो यानी कि शॉर्ट प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है इस म्यूटेशन की वजह से इसके बाद आती है साइलेंट म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन नाम से ही पता चल रहा है यानी कि म्यूटेशन तो होगा न्यूक्लियोटाइड में चेंज तो होगा लेकिन ये म्यूटेशन बहुत ही साइलेंट होगी इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन का सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होगा इस म्यूटेशन की वजह से इसीलिए इसको बोला है साइलेंट म्यूटेशन सो नाउ लास्ट है ये अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम अगर म्यूटेशन ऑटोजोम्स में ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स में होती है तो उसे ऑटोजोमल म्यूटेशन कहते हैं अगर म्यूटेशन सेक्स क्रोमोजोम्स में होती है तो उसे सेक्स क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहते हैं सो so, आज के लेक्चर में ये काफ़ी है और हमने सब टाइप की म्यूटेशन पढ़ ली है कि किस किस बेसिस पे हम म्यूटेशन को कैटेगराइज करते हैं और उसको सब सबको डिटेल में कवर किया है यहाँ पर हमारा अभी म्यूटेशन कवर हो रहा है और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम हाँ आप देखिए क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे अब अभी तक हमने बेसिक म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि म्यूटेशन कितने टाइप की है कैसे कैसे इसके बाद क्रोमोजोमल म्यूटेशन का चांस आएगा सो so, आप प्लीज स्टे ट्यून टू द क्लासेस और कॉपी डाउन योर नोट्स एंड प्लीज रेगुलर अगर आप देखेंगे तो आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी सो थैंक यू सो मच विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास